वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लश एंड ग्लैम। और मैं हूँ वर्तिका। और नवरात्रि जा चुकी हैं, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, बट मैंने कुछ शॉपिंग की थी और नवरात्रि सेल में वो मुझे अच्छी डील में मिल चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने न्यू ट्राई की हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इन चीज़ों में एक बहुत सारी चीज़ें हम नहीं परचेज करने की सोचते हैं, तो उन्हीं में से मैंने भी कुछ की हैं जिनकी ज़रूरत मुझे थी, तो मैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पर्पल हॉल। सो मैंने पर्पल से आज जो भी चीज़ें ली हैं और बहुत अफोर्डेबल ली हैं मैंने इस टाइम चीज़ें, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ ब्लू हेवन मस्कारा, वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा। और ये आपको क्लेम करता है कि वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और आपको वॉल्यूम देता है, आपकी जो लैसेस हैं उनको वॉल्यूम देता है। और इसका जो टिप है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं इसको पहले यूज़ कर चुकी हूँ आज से दो से साल पहले मेरे पास था और वो बहुत अच्छा था, मुझे पसंद था, तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा परचेज़ किया है। मेरे पास मेबलिन के भी मस्कारा हैं और वेट एंड वाइल्ड के भी हैं, बट अफोर्डेबल साइड में मैं लेना भी पसंद करती हूँ। 125 रुपीज़ इसकी MRP है, बट ये मुझे 85 रुपीज़ में मिला है, बहुत अच्छी डील है। और इसका मैं इस टाइम सोच रही हूँ कि मैं फुल रिव्यू करूँ, क्योंकि हम महंगे मस्कारास तो लेते हैं बट कोई अफोर्डेबल मस्कारा भी होना चाहिए, वो भी अच्छी डील में, तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसका फुल रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट जो मैंने ली है इस टाइम, मैंने ली है स्ट्रेट वॉक की नेल पेंट। और बट ये शेड मुझे थोड़ा सा, एक्चुअली मुझे लाइट पर्पल, बिल्कुल लाइट वॉयलेट का जो कलर जो होता है वो चाहिए था, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से ढूंढ रही थी, बट ये डार्क है तो इट्स ओके, तो मैंने ये नेल पेंट ली है। आई थिंक इसकी MRP तो ज़्यादा है, मीन्स मार्केट में इससे अच्छा LED वगैरह की अच्छी नेल पेंट मिल जाती है 55 रुपीज़ में। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है इस टाइम, मैंने ये लिया है रूप मंत्रा हल्दी चंदन फेस पैक। ये बहुत अफोर्डेबल है बट मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैं इसे यूज़ करूँगी, अगर मुझे इसका रिव्यू अच्छा लगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल है, 87 रुपीज़ का है और आयुर्वेदा है, तो आई थिंक अच्छा होना चाहिए। 60 ग्राम ऑफ इसकी क्वान्टिटी है, देखते हैं ये कैसा वर्क करता है मैं, और अच्छा आपको ट्यूब मिल जा रहा है मीन्स। सो दिस इज इट। नेक्स्ट माय ऑल टाइम फेवरेट लिप बाम, मैं ब्लू हेवन का ये जो लिप बाम है इसको, ये मेरा तीसरा पैक है जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया, ये मेरा तीसरा है। और इससे पहले मैंने सबसे पहले बबल गम फ्लेवर जो था वो यूज़ किया था, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, दिस टाइम मैंने जो यूज़ किया है इट्स अ कोको बटर फ्लेवर, ये है 80% ये नेचुरल है इसमें लिखा हुआ होता है। और MRP इसकी बहुत रिजनेबल है, 85 रुपीज़ है, बट 60 रुपीज़ में मुझे ये मिला था, तो ये बहुत अच्छी डील है और इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का ये होता है और इस तरीके की इसकी पैकेजिंग होती है। प्रोडक्ट इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है और पैकेजिंग बहुत क्यूट है, बहुत मीन्स अट्रैक्टिव इसकी पैकेजिंग होती है, तो मुझे पसंद है। नेक्स्ट आई एम शेयरिंग विथ यू नीविया का डीओ मिल्क रोल ऑन। ये तो मैं पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, अभी इनकी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है और कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में अभी आने लगे हैं। ये अगर आप अपनी डेली रूटीन में अगर आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो मीन्स आप इससे खुश हो जाएंगे, मीन्स आपकी नीड हो जाएगी हमेशा की, तो इसे ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। 125 रुपीज़ इसकी MRP है, ऑन डिस्काउंट हमेशा आपको ये अच्छे रेट पर मिल जाता है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है, फेस्टिव सीजन है तो लिपस्टिक तो बनती है, तो दिस टाइम मैंने ली है पर्पल की मिनी लिपस्टिक्स। और मैंने ये दो लिपस्टिक ली हुई हैं, एक्चुअली ये मैंने लिया है फर्स्ट पिंक शेड, कुछ इस तरीके का ये शेड है, छोटी सी लिपस्टिक हैं, बहुत कैरी हैं, हैंडी हैं। 199 रुपीज़ इसकी MRP है, बट ऑन डिस्काउंट मुझे 150 या 160 इस तरीके से मिल चुकी थी,
तो ये जो शेड है मेरा, ये मेरे पास NYB में था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो इस तरीके का मैं शेड लेना चाहती थी। तो इस टाइम मैंने सोचा कि मैं पर्पल की ट्राई करूँ, क्योंकि पर्पल की लिपस्टिक का जो फॉर्मूला है वो मुझे पसंद है। नेक्स्ट मुझे कुछ इस तरीके का शेड ट्राई करना था, बट उसमें मुझे ये मैट लग रहा था, बट ये मैट नहीं है, ये शिमरी काइंड ऑफ है, मीन्स पार्टी काइंड ऑफ कलर है, तो डेली में थोड़ा सा वो लगेगा, बट इट्स ओके। इस तरीके का मेरे पास कोई शेड नहीं था, आप देख सकते हो, सी इस तरीके का शेड कोई नहीं था, मीन्स शिमरी काइंड ऑफ इस तरीके का कुछ, तो ये भी मुझे पसंद है। इन दोनों के स्वाचेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, या मैं फुल रिव्यू भी इस तरीके का कुछ सोचूंगी। नेक्स्ट जो मैंने लिया है, ये मेरा टीनेजर प्रोडक्ट था, जब मैं टीनेजर स्टार्टिंग में थी, तो उस टाइम पे मैं ये फेस वॉश यूज़ करती थी। उस टाइम पे जो छोटा सा ट्यूब होता था वो आई थिंक 40-50 रुपीज़ का कुछ ऐसा आता था। तो ये है हिमालय का ऑयल क्लियर लेमन फेस वॉश। इस फेस वॉश को मैं बहुत पसंद करती थी उस टाइम पे, तो मैंने इस टाइम भी इसे लिया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी डील में मिल रहा था। 190 रुपीज़ इसकी MRP है, 150 रुपीज़ में मुझे मिल रहा था, बहुत बड़ा जार है, 200 ml इसकी MRP है, पम्प है, तो वेस्टिंग का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं, जो भी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट लास्ट मेरी विश लिस्ट में बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, बट इस टाइम मैंने इसे ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी डील में मिल रहा था, नायका में अच्छी डील नहीं मिल रही थी, इस 50 से भी अबव मुझे ये डिस्काउंट पे मिला है। इट्स अ बॉडी क्यूपिड सैंडल परफ्यूम, यस इट्स अ परफ्यूम। सो 899 रुपीज़ इसकी MRP है, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, और 100 ml इसकी क्वांटिटी है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। दिस टाइम मैंने इसे ट्राई किया, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम बॉडी क्यूपिड्स के परफ्यूम ट्राई किए हैं, मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, इनके रिव्यूज़ मैंने बहुत सुने, सो तो कुछ इस तरीके का है। फ्रेग्रेंस इसकी लाइट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड भी नहीं है, बट इट्स ओके ओके है, मुझे पसंद आया। सो आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, ये गोल्डन है, एंड दिस इज़ अ रोज़ गोल्ड, ये जो परफ्यूम का कलर है ये रोज़ गोल्ड कलर है। नेक्स्ट एक फाइनल चीज़ मैंने एक और ली है, सो ये मैंने पर्पल से नहीं लिया, एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है, सो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सो दिस इज़ इट, सी आप देख सकते हो, ये रेड क्लच है, और इसको भी मैंने बहुत टाइम से अपने विश लिस्ट में रखा हुआ था। सो कुछ इस तरीके का है, ये फ्लावर इसमें बने हुए हैं, और ये कुछ इस तरीके का, इसमें एक बड़ा सा स्टोन है, उसके बाद छोटे छोटे स्टोन हैं, और इसकी इसका एक्चुअली जो साइज़ है बड़ा है, मीन्स अच्छा है, इतना मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके अंदर इजीली आप अपना फ़ोन कैरी कर सकते हैं, एक कॉम्पैक्ट कैरी कर सकते हैं छोटा सा, और हम लेके ही क्या जाते हैं कहीं पार्टी वगैरह में। इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, और छोटी सी पॉकेट है, और दो स्लिंग दी हुई हैं इसमें, तो ये मुझे अच्छा लगा। MRP इसकी फिर से चेंज हो गई है, 700-800 ये अभी आपको दिखाएगा, बट ये मुझे थोड़ा सा कम प्राइस में मिल गया था, बट जो भी है 500-700 ये चार्ज करेगा, और आई थिंक सब जगह कुछ इस तरीके का ही आपको मिलेगा। एक अच्छा क्लच जो होता है वो चार्ज ज़्यादा करता है, तो मैंने ये ट्राई किया है, आई थिंक ये अच्छा ही लग रहा है। सो ये था मेरा शॉपिंग हॉल, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया और कुछ आपको पसंद आया और आप ट्राई करना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग, फिर से अच्छा कुछ और ज़रूर लेकर आऊँगी, और फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, तो देखते हैं कि मैं किन किन प्लानिंग्स में वो काम कर सकती हूँ। सो